हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। और आज की क्लास हम लोग करने वाले फिर से एयरफोर्स ग्रुप वाई के रगा के एग्जाम में कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक जो नाविक का एग्जाम होने वाला है उसके लिए, और नेवी के एग्जाम में जो होता है ना इंडियन नेवी के एग्जाम में, सबके लिए मिक्स हम लोगों ने जो जीके का टारगेट किया। मैंने जीके का टारगेट 1000 और आपके प्रशांत सर ने 1000 जीके पढ़ाने का टारगेट किया। मतलब डेली दो क्लासेस का जो अभी जीके की आपको आ रही है दोनों की प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना दिया, और ये जीके का मेरा पार्ट 10 है, ठीक है। तो जो मेरी जीके की प्लेलिस्ट का नाम है आपको जीके टेस्ट 2021, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान दो, जीके टेस्ट 2021। और प्रशांत सर जो पढ़ा रहे हैं वो है जीके जीएस स्पेशल, ठीक है, 2021 करके एक प्लेलिस्ट है। दोनों प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और जीके अपना इंप्रूव करो, ठीक है। और एक चीज ध्यान दो, मैथ की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं आपको कितने बजे भाई, 10:30 बजे डेली मॉर्निंग में, और रीजनिंग की रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही है, दोनों की लाइव क्लासेस मैथ और रीजनिंग की, तो रीजनिंग की दोपहर में 1 बजे लाइव क्लासेस डेली चल रही है। तो इन दोनों क्लासेस को कंटिन्यू फॉलो करो, फिर देखो आपका जो है रगा इस बार कहीं से नहीं छूटने वाला है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और एक गुड न्यूज थी आपके लिए गाइज, एक अच्छी बात क्या है ना, अभी आपको जितने लोग एयरफोर्स की या फिर कोस्ट गार्ड का एग्जाम देना है, जिसको रिसेंटली एयरफोर्स एक्स का दो, वाई का दो, या फिर कोस्ट गार्ड जीबी जीडीडीबी कुछ भी देना आपको, तो मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए गुड न्यूज ये है कि 50% डिस्काउंट पे आपको परीक्षा ऐप दे रहा है, ठीक है। कोई भी मॉक टेस्ट लो किसी भी एग्जाम का, आपको 50% डिस्काउंट दे रहा है। कब भाई, जब आप ये रेफरल कोड यूज करोगे तब, exam A to Z 50, इस तरीके से जो रेफरल कोड है डिस्क्रिप्शन में देखना, मैं परीक्षा ऐप की और इस रेफरल कोड दोनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप इस रेफरल कोड के थ्रू परीक्षा ऐप पे किसी भी टाइप का मॉक टेस्ट परचेज करते हैं, प्रैक्टिस सेट या फिर टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ लो बहुत ही लिमिट टाइम के लिए ऑफर है, तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जाके आप exam A to Z 50 यूज करो और फटाक और मतलब रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लगाओ ही, चाहे आपको कोस्ट गार्ड का एग्जाम देना हो, चाहे एयरफोर्स का एग्जाम देना हो, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, कोई भी रेगुलर प्रैक्टिस सेट लगाओ आप लोग, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन लगाते हो ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन भी लगाया करो। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमको तो ये क्वेश्चन करना नहीं था, हमको क्वेश्चन कहाँ से करना था, हमने जहां 9 पार्ट तक खत्म कर लिया था अपने, ठीक है गाइज, तो 9 पार्ट तक हमने कहाँ तक खत्म किया था, चलो आ गया हमें, तो हमको 273 तक हमने कर लिया था, अभी 274 करना है। तो दूध से क्रीम निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे दूध में से हम लोग बटर को निकालते हैं, तो किस प्रक्रिया से, ठीक है गाइस, वो निकालने की प्रक्रिया होती है अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इस फोर्स का नाम सुना होगा आपने, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल या बोल लो या फिर अपकेंद्रीय बोल लो, ओके ना। चलो एक बार पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो हेडक्वार्टर्स पूछा जा रहा था, बहुत सारी चीजों का हेडक्वार्टर्स पूछा जा रहा था, कभी सीईओ पूछ देता है एग्जाम में, तो हेडक्वार्टर्स जब पूछेगा कि आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर्स तो मुंबई में है, कहाँ पे भाई, आरबीआई का हेडक्वार्टर्स मुंबई में, ओके। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, या फिर इंग्लिश में इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो ये खान अब्दुल गफार खान है, ठीक है, कौन है भाई, खान अब्दुल गफार खान। एक चीज ध्यान दो, मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने आप पढ़ाया था पिछली क्लासेस में कि दीन बंधु के नाम से किनको जाना जाता है, ये चीज कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है गाइस, जिनका इसका नाम है ग्रीनलैंड है, ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप है या फिर आइसलैंड बोल लो इसको, ग्रीनलैंड द्वीप जो है बहुत सबसे बड़ा है और इससे बड़ा कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। काली मिट्टी की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी, उपयुक्त किसके लिए होती है, जो काली मिट्टी है ना वो किस फसल के लिए ज्यादा, मतलब इसमें काली मिट्टी के अंदर कौन सा फसल ज्यादा उपजता है, वो होता है हमारा कपास, इंग्लिश में कॉटन बोलते हैं। और ये सॉइल करके जो चैप्टर था, सॉइल को पूरा प्रशांत सर ने पढ़ा दिया था, उनकी प्लेलिस्ट जो है ना जीके जीएस स्पेशल 2021 जो है वो जाके देखना, उसमें सॉइल चैप्टर होगा, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ा दिया है, तो सॉइल से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे नहीं फंसेगा, मतलब फंसेगा एग्जाम में बट आप नहीं फंस पाओगे, मतलब क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता ही दोगे एग्जैक्टली उसका आंसर। अभी देखो 280 में हमारे पास भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है भाई, तो आपकी अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली रेंजेस है। चलो धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग है, सबको पता है कि देखो धरती जो है मान लो अगर उसको हम डिवाइड कर दो तो 3 हिस्सा में क्या है, पानी और 1 हिस्सा ही जमीन है, ठीक है, बट पीने योग्य पानी की बात करें तो नहीं, ये 71% कितनी है भाई, 71% क्या है, पानी है, ठीक है ना, और बाकी में क्या है, अस्थल है, ये 71% तो सारा पीने योग्य नहीं है गाइस, वो बहुत सारा खारा पानी है इसमें। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, तो मैंने बोला था ना कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
कि कौन सा कंट्री जो है हमारे इंडियन स्टेट के साथ ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है? तो आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश देखो ना कि बांग्लादेश चारों तरी लगभग तीनों तरफ से एक तरीके से कहो कि इंडिया से घिरा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, अपने बाउंड्री शेयर करेगा। अगला है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? गाइस सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, और इंग्लिश में इसको जुपिटर कहते हैं, और सबसे छोटा अगर बोला जाए तो बुध ग्रह है। क्या भाई? बुध, ठीक है ना। अभी देखो, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? गाइस किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो इसको कोसी को कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें इतना बाढ़ आता है ना कि लोग परेशान रहते हैं इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है? सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है, तो सबको पता होगा। और एक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि नाइट्रोजन कितना परसेंटेज में, बताओ कि वायुमंडल में टोटल एनवायरमेंट में हमारे कितना परसेंट नाइट्रोजन है, ये चीज कमेंट करके बताना मुझे। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो गाइस कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। चलो एक चीज है, किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? मतलब बांग्लादेश पहले कंट्री नहीं था, तो वो तो पहले भारत में था, लेकिन बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, बट भारत से मतलब जब भारत से एक तरीके से कहा जाए तो अलग होने वाला कौन था? पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान से कौन अलग हुआ? बांग्लादेश, ठीक है। कहने का मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अपने इंडिया के पार्ट थे, ठीक है, जो कि अलग हो गए। पहले पाकिस्तान हुआ, और पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश हुआ, और ये दोनों क्या थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश पूर्वी, और ये क्या थे? पश्चिमी, ठीक है, पाकिस्तान थे। कंप्यूटर भाषा में TDD का मतलब, जो WW हम लोग लिखते हैं ना वेबसाइट में, WWW लिखते हैं ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। लिखते हैं ना किसी वेबसाइट के नाम www.xyz.com.in लिखते हैं ना, वही चीज है। अगला है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट के अंदर भाई 1024, 1024 बाइट्स होती है, याद रखना हमेशा, ठीक है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है आपका गोंड है, ठीक है। और ये मेनली आपको एमपी में ज्यादातर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एमपी में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में मिल जाएगा आपको, महाराष्ट्र में लिख लेना अगर चाहते हो तो, छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा, और आपको उड़ीसा की तरफ मिल जाएगा ये जनजाति, ठीक है ना। ये इनको द्रविड़ का माना जाता है, कि द्रविड़ इनके पूर्वज थे। अभी देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भाई एनी बेसेंट थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी, ठीक है। शहीदे आजम के नाम से किनको जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है, क्लियर है, सबको बोल देगा, क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा जो जनरल डायर था, उसकी हत्या किसने की थी? तो अपने उधम सिंह ने की थी, ठीक है। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जनरल डायर की। बांग्लादेश का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ? कब और किसके द्वारा किया गया, ठीक है? तो सॉरी, बांग्लादेश नहीं, ये बंगाल का है, बंगाल का विभाजन, बांग्लादेश का नहीं। बांग्लादेश का तो यार मैंने बताया ना, पाकिस्तान से अलग हुआ था। ये जो अपना बंगाल है वो अलग कब हुआ था, ठीक है? तो वो मतलब अलग स्टेट कब बना था एक तरीके से कह लो, तो गवर्नर लॉर्ड कर्जन नाम था इसका, 1905 में। बंगाल विभाजन पूछता है कब हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन करवाया था इसको, क्लियर है ना। अगला देखो, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, कौन थे बोलो, ये कौन थे? जीवी मालवलकर, हमने पहले भी पढ़ा था, जीवी मालवलकर को पहले ही पढ़ा था हमने ना। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो इसको डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो, संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो वैसे कंडीशन में सचिदानंद सिन्हा मत करना, राजेंद्र प्रसाद करना। क्यों? अस्थायी जब तक ना दे तब तक सचिदानंद सिन्हा मत करना, क्योंकि कुछ टाइम के लिए सचिदानंद थे, इनके बाद परमानेंट चुन लिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। चलो अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है वो किस स्टेट से है? तो कुचिपुड़ी जो है गई आपका आंध्र प्रदेश से है, याद रखना। बहुत बार हमेशा पूछता है कि नृत्य है, लोक नृत्य है, ये मतलब किस स्टेट से है, नहीं आर्ट जो है, कला वगैरह वो सब चीजें। मोहिनीअट्टम किस नृत्य जो है किस स्टेट से रिलेशन है इसका? भाई तो केरला से, मोहिनीअट्टम केरला से। भारतनाट्यम पूछेगा तो तमिलनाडु से, मोहिनीअट्टम केरला, भारतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली पूछेगा तो आपको करना होगा केरला, ठीक है। अगर ये कथक बोल दे, कथक तो उत्तरी राज्यों से, जितने भी उत्तरी राज्य हैं उनसे रिलेटेड है कथक, ठीक है ना। चलो हमारे पास ये तीन लास्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यही हमारा उत्तरी राज्य, हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस स्टेट से होता है? जम्मू कश्मीर से। और स्टेट पूछेगा कि मसालों का ज्यादा उत्पादन किससे होता है, तो सीधे साउथ में चले जाना, कौन सा? केरल। केसर का उत्पादन सीधे नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ क्या ऊपर, नॉर्थ में केसर का उत्पादन, साउथ में मसालों का उत्पादन, ये चीज याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, मतलब विमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है।
गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को उनको क्या मानते थे भाई, अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ओके गाइस, इसके अलावा फिर से मैं जाते जाते एक चीज बोलूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर आपने सही किए। और एक चीज देखो फिर से बोलूं जाते जाते कि अगर आपको मॉक टेस्ट लेना है ना गाइज, तो परीक्षा ऐप से ही लो। क्यों मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ बार बार परीक्षा ऐप को, क्योंकि पिछले एग्जाम में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था मॉक टेस्ट लगा के इसे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन उसी लेवल के पूछे गए थे जैसा एग्जाम में, मतलब जिन्होंने इनके मॉक टेस्ट में दिया गया था। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं आपको हर चीज वही सजेस्ट कर रहा हूँ तो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। मॉर्निंग में जो 10:30 बजे मैथ की क्लास होती है, दोपहर में 1 बजे रीजनिंग क्लास होती है, उसको जरूर ज्वाइन करना। चलो बाय बाय।